You being unfair to me. क्या मांगा था मैंने तुमसे? थोड़ी बहुत अटेंशन, दैट्स इट. लेकिन उस अनिका की वजह से तुम मुझे वो भी नहीं देती. जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो वो 2 रुपीज अनिका क्यों बीच में आ जाती है? किस हक से आती है वो? किस हक से वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है? किस हक से उसने मेरा फोन काटा? ये सब तुम्हारी गलती है. तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है. क्यों नहीं उसे तुम कह देते कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे. क्योंकि अगर मैं अपने पे आ गई तो फिर मैं अनिका का वो हाल करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते. रागिनी, रागिनी, पागल हो गई हूं. ये क्या करने जा रही थी? क्या करूं भैया, मैं शिवाय से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ और उसे मेरी मेरी कदर ही नहीं है. तो उसके लिए अपनी जान देने जा रही थी? ये सब करने से तुम्हें शिवाय मिल जाएगा क्या? मुझे पता है कि नहीं मिलेगा. कम से कम उसे ना पाने का दुख तो नहीं होगा. मैं खुद दुखी हूँ, आपको परेशान करके रखा हुआ. इतना अच्छा तो मैं मान जाऊँ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. लेट मी डाई भैया. प्यार जीना सिखाता है, मरना नहीं. अब ये सब पागलपन करना छोड़ो एंड टेल मी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? भैया मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या करना है. Are you serious, Ragni? क्यों? Want me to do that? Yes. All right. तुम जैसा बोलोगी और जो बोलोगी वैसा ही होगा. अब ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए. Got it? Yes. सच सच बता दो, ये बच्चा किसका है? कहीं तुम्हारा और रिधिमा का तो नहीं? नो चांस, उसने भी रिधिमा इंडिया में नहीं. और मेरे शिवाय की तो करतूत हो ही नहीं सकती. जरूर ये गुल ना ओमकार और रुद्र ने खिलाए. स्टॉप इट पिंकी, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए. ओ माय माता, हाथ कंगन के अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सच में आप भूल गई क्या ओमकारा वो कौन थी? रिधिमा. उसके साथ शादी से पहले ही रंगरलियां मना रहा था, लिविंस कर रहा था उसके साथ. और फिर बरेली जाकर पता नहीं क्या किया, जो गौरी से शादी करनी पड़ गई. उसके बाद वो श्वेतलाना भी आ गई. एक हो तो बताओ ना. और रुद्र के लिए तो मेरा मुंह मत ही खुलवाओ तो अच्छा है. इतने कपड़े नहीं बदलता जितनी गर्लफ्रेंड्स बदल लेता है. आए दिन तो लड़कियां उसकी लाइफ में एंट्री और एग्जिट मारती रहती है. मेरे बेटे का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है. तुम शायद टिया को भूल रही हो पिंकी. वो तो झूठी थी, फ्रॉड, एक नंबर की फ्रॉड, मेरे बच्चे को फंसा रही थी. लेकिन उस वक्त तो तुम्हें उसकी बात बिल्कुल सच लग रही थी. शिवाय ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसके बाद भी तुमने टिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया. और उसके बाद भी उसके होने वाले बच्चे को ग्रैंडसन मानने के लिए तुम अच्छे से तैयार हो गई. बहुत खुशी खुशी मान तो रही थी ना. आप लोग तो मुकर रहे हो. चुप रहो तुम दोनों. इस वक्त जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे को रहने दो. मुद्दे से पिंकी भटक रही है माँ. जब हम अपने बच्चों से पूछ रहे तो इसे इन पर उंगली उठाने की क्या जरूरत है? आप कुछ बोलेंगे या मैं ही बोलूं? भाई साहब प्लीज, ये मैटर इन बच्चों का है, इन्हें आपस में संभालने दीजिए. हम बड़े आपस में क्यों लड़ाई झगड़ते हैं? हम झगड़ नहीं रहे, पिंकी झगड़ रही. हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है. घर में कोई भी कुछ भी करे, गलती हमेशा पिंकी की होती है. स्टॉप इट, इनफ इज इनफ. किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं आप लोग? इस नोट पे क्लियरली लिखा था कि ये ओबेरॉय का है. उसका मतलब है कि ये बच्चा हम में से तीन किसी एक का है. क्या हम लोग झगड़ रहे हैं? नहीं ना, इसी वजह से ना, हम आप लोगों को बताना नहीं चाहते. इस वजह से ये बच्चा हम तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, और हम इसे मुकर नहीं रहे. मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो हम आपसे कोई सलूशन मांगते हैं ना कोई हेल्प मांगते हैं. तू मैं किस बात की? झगड़ा ना दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, नहीं तो दुनिया में प्रॉब्लम होती ही नहीं.
we understand, okay? This is a problem. We understand that, we recognize it, और हम इसे face करेंगे. हम तीनों मिलके करेंगे. लेकिन आप लोगों की तरह नहीं, झगड़ के नहीं, maturely face करेंगे. दुनिया में कोई भी problem आ जाए, हम तीनों मिलकर सामना करेंगे. Just stop it. Enough. लेकिन बिल्लू, पता तो होना चाहिए आखिर ये बच्चा है किसका? हाँ, तुम में से किसी का है भी कि नहीं? Even I want to know that. Don't worry. DNA test सब प्रूफ कर देगा और सब क्लियर हो जाएगा. All right? मैंने डॉक्टर को फोन करके बुला दिया. डॉक्टर थोड़ी देर में आ ही रहे हैं. Good. आराम से. ठंडा लगता होगा. फालतू काट रहा है. हेयर स्टाइल खराब कर दिया बबली का. ना दर्द तो मुझे अपने हेयर कट खराब होने पर भी नहीं हुआ. बबली के बाल संभाल के रखिएगा. हाँ. सिरिंज किस लिए डॉक्टर? डीएनए सैंपल्स लेने के लिए. इतना बड़ा? अब आप ये मत बोलिएगा कि ये बबली को लगेगा. डीएनए सैंपल्स सभी के लेने पड़ेंगे, बेबी के भी. एक सेकंड डॉक्टर, आप बच्चे का हेयर स्टैंड ऑलरेडी ले चुके हैं ना, फिर खून क्यों चाहिए आप? इट्स अ प्रोसीजर मिस्टर ओबेरॉय. प्रोसीजर क्या? आपका तेल लेने इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. डीएनए टेस्ट को फॉल्ट प्रूफ बनाने के लिए एंड टू मेक श्योर कि बेबी हेल्दी है, वी हैव टू टेक हर ब्लड सैंपल. बेबी बहुत हेल्दी है. तीन दिन पहले मुझे केक मारी थी, अभी तक दर्द हो रहा है. ये तुम लोग बातें ही करते रहोगे या डॉक्टर को अपना काम करने दोगे? एक मिनट डॉक्टर, खून निकालने का कोई पेनलेस प्रोसीजर होगा ना बिना प्रिक किए बच्चे को? सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, फिलहाल मेडिकल साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है. नहीं है? ऐसे कैसे नहीं? इस रिसर्च के लिए ना मैं फंड्स डोनेट करूंगा. करेक्ट. ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस होना चाहिए बच्चों के लिए. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में पास कर रहा हूं. अरे तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो जैसे बबली को पहली बार सुई लग रही है. ऑफ कोर्स इसका वैक्सीनेशन तो हो चुका होगा. हाँ, लेकिन खून तो नहीं निकाला था ना. ये डिस्कशन हमें डॉक्टर को बुलाने से पहले कर लेना चाहिए था. डॉक्टर, अब खून निकाल. ओके, स्टॉप इट. प्लीज. वी डोंट वांट दिस टेस्ट. व्हाट? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्ची का बाप कोई भी, और हमें जानना भी नहीं. ये बच्ची हमारी है. And that's fine. बिल्लू, ये तू क्या कह रहा है? दादी, हम सेल्फिश हो रहे थे, छोटी सी बच्ची को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन अब नहीं. ये बच्ची हम तीनों की है. And we're fine with that. Exactly. चांद किसी एक का नहीं होता, हम सबका. उस पर एक हक भी होता है और एक रिश्ता. तो बबली के डैड कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट ये बहुत लकी है क्योंकि उसके एक नहीं, तीन तीन डैड्स. और ये हमारी बेटी है.
ये मेरे बचपन का वर्कआउट वीडियो है जब मैं तुम्हारी उम्र का था। मैं जानता हूँ तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकती, बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से इंसान फिजिकली और मेंटली फिट होता है। क्या होता है? आई मस्ट, तुम भी मेरी तरह स्मार्ट हो ना? शाबाश, बहुत स्मार्ट हो, सारी बातें समझती हो। अच्छा, तुम्हें भी अपनी तारीफें सुनना पसंद है हा? अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि मैं 3 के बदले 4 सेट मारूं। हाँ, क्या कहना है तुम्हारा? हमारी सोच कितनी मिलती है ना। आई लाइक इट, आई नो यू लाइक इट टू। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और रात को अभी नहीं और रात को सोते वक्त हम फुटबॉल का मैच भी देखेंगे। और मैं जानता हूं कि आज मेरी फेवरेट टीम जीतेगी क्योंकि लेडी लक मेरे साथ है। चुप चुप के दो लोगों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। पर चुप चुप के तो सिर्फ आप अपने आप से बात कर रहे थे। मैं बबली से बात कर रहा था और बबली भी मुझसे बात कर रही थी। आपने देखा, और इसलिए अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि बबली आपकी बेटी है। कैसे? आपको कोई एविडेंस मिला? कोई डीएनए टेस्ट? रिलैक्स, कोई एविडेंस नहीं मिला हमें, बस यूं ही आप दोनों की केमिस्ट्री देख के। बबली रोती है तो चुपके से होती है, आपसे खुश किसके साथ रहती है? आपके साथ। और बातें भी तो मुझसे ही करती है। Exactly. तो कोई ना कोई कनेक्शन तो है ना आप दोनों के बीच, राइट? हाँ, राइट। अच्छा, ये बबली को पकड़ी 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 हाँ पकड़ी पकड़ी हाँ बबली आराम से आराम से आराम से आराम से पकड़ी पकड़ी हाँ कुछ नहीं, बबली सो गई है, अब मेरे सोने का टाइम है, आप संभालिए, गुड नाइट आराम से। हॉस्पिटल से तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई है और रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारा हार्ट काफी वीक है। कोई मुझे मारना चाहता है तेज। What? ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या बोल? हाँ, उसने प्लांट पॉट का गिरना, और आज जब मैं किचन से आ रही थी तो फ्लोर पर ऑयल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गई और टूल पर गिरते गिरते बची। What fools, what oil? ये तुम क्या बोले जा रही हो? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जानबूझकर किसी ने वो टूल्स मारा। कोई है इस घर में जो मुझे मारना चाहता है तेज? रिलैक्स। हो सकता है दिस बिग कोइंसिडेंस, हो सकता है कि कारपेंटर वहाँ काम कर रहा हो, गलती से अपना टूल वहाँ भूल गया हो, और ये भी हो सकता है कि वो ऑयल का वहाँ गिरना कोइंसिडेंस। You don't take stress, remember? But a heart काफी weak. Please, relax. Remember, Sabiha. सुनो, जी मैडम, वो माजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर रही है। बार बार चेक करती रहना, वो जाग रही है या सो रही है। अगर सो रही है तो डिस्टर्ब मत करना, अगर जाग रही है तो पूछ लेना उन्हें कुछ खाना है पीना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो हमें बुला लेना हर हर आई के। जी। क्या हुआ जेठानी जी को? वो लो बीपी। वो तो होना ही था ना, तेरी जैसी अनपढ़ गवार बहू जो उनके पल्ले पड़ गई है बेचारी।
दिन रात टेंशन करती रहती होंगी इसलिए प्रेशर लो हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया सोचना। उन्होंने भी सपने सजाए थे अपने हैंडसम मिलियनेयर बेटे के लिए। अरे उसकी एक एक मूर्ति ना लाखों में बिकती है, वो एक तरफ और तू एक तरफ। जिसके पास बरेली का टिकट कटाने के भी पैसे नहीं, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को। हम दोनों की किस्मत ही खराब, दोनों को ऐसी फटीचर भौएं मिली हैं। जब तुम दोनों का नाम कुलपत्री में लिखवाया जा रहा था ना, तो मेरी जान कैसे जल रही थी क्या बताऊं। वो तो थैंक्स टू माता रानी कि शिवाय को सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया और उस फटीचर लड़की को उसने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब तू भी रेडी हो जा, क्योंकि अगला नंबर अब तेरा है। शिवाय की तरह ओमकार अभी तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। जिनके मन में भगवान बसते हैं उन्हें अगर मंदिर से निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुशी खुशी ओमकारा जी की छवि अपने मन में लिए चले जाएंगे यहाँ से, और फिर असली खुशी और मन की शांति देने में मिलती है, छीनने में नहीं। काश आप ही बात समझ पाते। काश मैं ये समझ पाती। ओ मैं माता, अनीका की तरह इस चीटी के भी पर निकल आए। पर मेरी एक बात समझ ले तू, पता है ना चीटी के पर कब निकलते? जब उसकी मौत करीब होती है। इसलिए ज्यादा उड़ मत, क्योंकि अपनी अनीका भुजाई की तरह ना तू भी मुंह के बल गिरेगी। उब्राए खानदान की दौलत लूटने के अच्छे प्लान्स बनाए थे तुम लोगों ने, दोनों लड़कों को सही वक्त पर फंसाया ताकि सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाए। लेकिन ये जो सपना तुम दोनों ने देखा है ना, इसे मैं पूरा नहीं होने दूंगी। क्या कहा था तुमने? अब इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं उसकी सोच से होती है, यही कहा था ना। अब मेरी सुनो, हाई सोसाइटी में ना जितना वड्डा डायमंड उतनी वड्डी सोच। यहाँ पे इंसान की परख उसके कपड़े गहने उठने बैठने बोलचाल के तौर तरीकों से की जाती है। तुझे क्या लगता है, ओमकारा ने तुझसे शादी कर ली है तो तुझे अपनी बीवी भी मान लेगा? ओमकारा तुझे अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं देगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।